हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बोलेक सर्जरी इंडिया। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसे कि आपने टाइटल देखा ही होगा कि व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर बोलेक सर्जरी, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मेरी जो सर्जरी हुई है मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें कितनी कॉस्टिंग लगी, कितनी कटिंग हुई और उसमें क्या मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। तो देखिए, अगर हमारी जब बोलेक सर्जरी होती है उस वक्त हमारे पैर में एक प्लेट डाली जाती है जिसका नाम प्लैटिनम ऑस्टियोटॉमी प्लेट्स कहा जाता है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। मेरी जो प्लेट थी वो कम से कम 70,000 रुपये की एक प्लेट थी, मतलब 1.5 लाख रुपये के आसपास मेरे दोनों पैरों के प्लेट्स थे। देखिए दोस्तों, कुछ डॉक्टर पैसे कमाने के चक्कर में हमारे पैरों में लोकल प्लेट्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ दिन के बाद उसका इन्फेक्शन या फिर वो प्लेट्स हमारे पैरों में सूट नहीं होती और उन्हें बोलेक सर्जरी के बारे में नॉलेज भी नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पर आपके अगर पैर खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसलिए इसके बारे में सोचिए। तो चलिए मैं आपको मेरे बोलेक सर्जरी के कॉस्टिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मेरी कॉस्टिंग थी वो नियर अबाउट 3.5 लाख टू 4 लाख के बीच में थी, मतलब मेरी एग्जैक्टली कॉस्टिंग देखा जाए तो 3.8 लाख थी। उसमें मुझे क्या क्या इंक्लूड था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑस्टियोटॉमी प्लेट्स एंड स्क्रू, जिसके बारे में अभी डिस्कस किया, वो उसमें इंक्लूड होता है, ये कॉस्टिंग में इंक्लूड होता है। उसके बाद आप हॉस्पिटल में कम से कम 4 दिन तक रहते हैं, तो जो आपका हॉस्पिटल चार्जेस होता है, बेड चार्जेस, वो उसमें 4 डेज का इंक्लूड होता है। उसके बाद आप जब एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में और जब आपका डिस्चार्ज होता है, उस बीच में आपको जितने भी मेडिसिन लगती है वो मेडिसिन आपको हॉस्पिटल के थ्रू दिया जाता है, मतलब इस कॉस्ट में इंक्लूड होता है। उसके बाद आपकी सर्जरी के बाद आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। वैसे देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट एक सेशन का कम से कम 500 या 1,000 रुपये चार्जेस लेता है, वो इसमें इंक्लूड है। उसके बाद जब से आप एडमिट होते हैं और डिस्चार्ज तक आपके कम से कम 12-15 रिपोर्ट्स होते हैं, एक्सरे रिपोर्ट्स, वो उसमें इंक्लूड है। उसके बाद फूड ड्रेसिंग, जब आप डिस्चार्ज होते हो उसके बाद आपको 1 महीने तक ड्रेसिंग हॉस्पिटल के थ्रू वो फ्री होता है। और जो डॉक्टर की विजिटिंग फीस जो होती है वो कुछ लगभग 1,000-1,500 के आसपास होती है, वो भी इसमें इंक्लूड है। दोस्तों, पिछले 5 सालों में मैं इंडिया में काफ़ी डॉक्टरों से मिला, जो डॉक्टर्स स्पोर्ट ऑर्थोपेडिक्स बोलेक सर्जरी में एक्सपर्ट है, उनकी बोलेक सर्जरी कॉस्टिंग नियर अबाउट 7-8 लाख के आसपास थी, जबकि मैंने बाहर कंट्रियों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली तो उनकी कॉस्टिंग 10 लाख और 12 लाख के आसपास थी। और फाइनली मुझे कम कॉस्ट में बेस्ट डॉक्टर मिले, इसलिए मैंने ये चैनल खोला है ताकि आपके कम से कम 5 साल तो बच जाए। दोस्तों, आपकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है, पर उसके लिए आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अगर वो है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कॉरपोरेट भी इंश्योरेंस चलेगा, वो कम से कम 3 साल पुराना इंश्योरेंस होना चाहिए और उसमें 3 लाख से लेके 5 लाख तक कवर होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं और आप बोलेक सर्जरी करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप बोलेक सर्जरी करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे डॉक्टर के पास कीजिए जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्जरी कर चुकी है और सक्सेसफुल है, जैसे कि मैं। अगर आपके पास पैसे कम है या फिर नहीं हो रहे तो आप कुछ दिन कुछ साल तक रुक जाइए, जमा करके उसके बाद सर्जरी कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइफ है ना वो सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए पैसों में तोल कर अपने ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए।